पता है इंडियन लॉज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनका इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ होना। तुम कोई भी लॉ की किताब उठा के देख लो जिसे बेरैक्स बोलते हैं और उसे एक बार पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें वो इतनी ज्यादा टफ लगेगी ना कि तुम्हें एकदम तारे जमीन पर वाले ईशान अवस्थी की फील आएगी। हर लॉ को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया गया ना कि आम इंसान के तो पल्ले ही नहीं पड़े भैया लिखा क्या हुआ है। और रही सही कसर वो लैटिन फ्रेजेस पूरी कर देते हैं जो इन लॉज में यूज करी जाती है। इन लॉज को एक्सप्लेन करने का तरीका आज भी अंग्रेजों के जमाने का है, जब अंग्रेज अपनी सहूलियत और समझ के हिसाब से लॉज बनाते और एक्सप्लेन करते थे। आज भी लॉ मेकर्स लॉज को इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखते हैं ये तो भैया समझ के बाहर है। किसी भी कंट्री के लॉज इतने सिंपल और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए ना कि आम इंसान क्या किसी अनपढ़ आदमी को भी समझाओ ना तो वो भी आसानी से समझ जाए। पर हमारे इंडियन लॉज एकदम इसका उल्टा है। अब ये गुलामी की निशानी है या डिस्टिंक्शन बना के रखने का तरीका ये तो पता नहीं, पर अगर जनता से ये उम्मीद करते हो ना कि वो कानून को माने, कानून से डरे नहीं, तो कानून को इतना आसान और एक्सेसिबल बना दो ना कि वो जनता के पहुंच के बाहर ना हो। मेरी बात से अग्री करते हो तो निशांत मेहता को फॉलो या सब्सक्राइब कर दो।